इस पार्ट में हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का इतिहास मानव संस्कृति के उद्भव से माना जा सकता है, क्योंकि मनुष्य को किसी भी वस्तु को गिनने की आवश्यकता शुरुआत से ही रही है। वे इस उद्देश्य के लिए कई चीजें प्रयोग करते थे, जैसे कंकड़ पत्थर है, लेकिन एक उपकरण के रूप में रोमन का अबेकस पहला उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता रहा है। विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की गणना ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलीन की तरह की गई थी। चार्ल्स बैबेज ने दो मशीनों, विश्लेषणात्मक इंजन और डिफरेंस इंजन, तथा हैलिथ ने जनगणना मशीन का आविष्कार किया। अडाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर एक पूरी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग रैखिक समीकरण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के इतिहास में दो युग आते हैं, मैकेनिकल युग 1945 से पहले और इलेक्ट्रॉनिक युग 1945 के बाद, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वाले। इलेक्ट्रॉनिक युग को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा और तेज कर दिया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशनों और वाणिज्यिक एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तृतीय जनरेशन की बात करें तो इस कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। अब आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन। इस कंप्यूटर के इस जनरेशन में तुलनात्मक रूप से बेहतर काम करने के लिए इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। यह आपके बीच काफी पोर्टेबल और सब विश्वसनीय और आकार में बहुत छोटा होकर आया। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन व नेटवर्क एप्लीकेशनों के लिए किया गया। अब आइए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। यह उन कंप्यूटरों का जनरेशन है जहां कंप्यूटरों को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया, नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है।